जी, मेरा नाम मुस्तफ़ा अली ख़ान है। मैं न्यू जनरेशन पार्टी NGP पार्टी से जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मेरे आदरणीय प्रणाम टू मेरे स्वामी जी, विच इज़ श्री श्री स्वामी देवराजन जी। ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पार्टी, ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको जानने जा रहा हूँ, जो कि मणिपुर इशू जो हुआ था May 4th को, जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान है। बट हमारे यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी को मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ रहा है, ओके, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारा पूरा भारत परेशान है, पूरा इंडिया परेशान है, सिर्फ हम भारत की नहीं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आज हमको इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, सिर्फ हमको नहीं पूरी दुनिया भर को इस चीज़ पर आवाज़ उठाना चाहिए, और सिर्फ दुनिया भर को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को इसमें एकजुट होना चाहिए। और मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये इश्यू को अभी जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया गया तो मेरा आदरणीय मेरी एक इच्छा ये है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री हमारे होम मिनिस्टर साहब जी इस कंट्री को इस उनके पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दें। वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर सक रहे हैं, दे शुड रिज़ाइन इमीडिएटली, ओके, एंड गिव द अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेट लीडर्स हु आर वर्किंग फॉर द कंट्री लाइक अस, दैट इज़ न्यू जनरेशन पार्टी, ओके। सो अगर मेरी कुछ बात का बुरा लगता है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट ये इशू मणिपुर का सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे इंडिया पे बात आ रही है, आज पूरे विश्व में ये बात आ रही है कि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री एक छोटे से इशू को सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि सर, जल्द से जल्द आप लोग अगर इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सक रहे हैं तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। लेट द न्यू लीडर्स हैंडल दिस सिचुएशन अंडर द गाइडेंसशिप ऑफ आवर ग्रेट श्री श्री स्वामी देवराजन जी फ्रॉम न्यू जनरेशन पार्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।